नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेट मतलब क्या है? चैप्टर वर्ड का मतलब क्या है? एक चीज जिसका क्या बनाया वो ग्रुप, ठीक है, और वो किन चीजों का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे मान लो कि नंबर डिसाइड कर दो कि नेचुरल नंबर, ठीक है, तो डिफाइंड है सारे कि वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स हो गए, उनका उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? सेट। मैं बोलूं नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, तो डिफाइंड होंगे 30 होंगे, 28 होंगे, 29 होंगे, 31 होंगे। डिसाइडेड डेज ऑफ ए वीक, 7 डेज होते डिफाइंड है, तो इन सब चीजों के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? सेट। ये चीज क्लियर है सबको कि व्हाट इज सेट? अच्छा अब देखो, इसी सेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। मान लो कि मैंने एक जगह लिखा, ठीक है, नेचुरल नंबर, इनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दोनों का मतलब तो क्या है? सेम ही है कि एक ही चीज को क्या किया है, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक तो लिखा है कि नेचुरल नंबर्स, एक लिखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन दोनों चीजों से क्या चीजें रिप्रेजेंट हो रही है? सेम एक ही चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो क्या लिखिए, पता नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर एक तो लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, और ये भी क्या लिखा है? नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। दोनों ही क्या बनाए? ग्रुप बनाए, और दोनों को क्या किया? एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा है, और एक कैसे लिखा है? रिप्रेजेंट के लिखा है कि कौन कौन सी चीजें उसमें दी हुई है। दो तरीके से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए, तो दोनों को अलग अलग बोला जाता है। एक तो क्या है, जिसको सेम ऐसे लिखा जाए उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरे वाले को सेट बिल्डर। रोस्ट किया हुआ मतलब पका पकाया लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। एक नेचुरल नंबर लैंग्वेज लिखे उसको बनाना है, मतलब बिल्ड करना है सेट के फॉर्मेट में, कि अपन उसको सोच के फिर लिखिए कि क्या क्या चीज, तो उसको क्या बोला जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्मेट, और जो पक्का पकाया लिखा हुआ उसको क्या बोलेंगे? रोस्टर मेथड। दोनों चीजें क्लियर है? कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा? दोनों चीजें क्लियर? अच्छा मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, ये लिखा हुआ है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस सिक्स, इन सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर चलो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? इसको रोस्टर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? सर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। यस, पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन ढूंढेंगे इसका। हाँ, किसी भी तरीके से आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, ठीक है, आप
फैक्टर बना के भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सॉल्यूशन निकालने और उनको लिखना किस फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म। सिक्स एंड माइनस वन, करें इक्वेशन को सॉल्व, सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू एक्स और माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आई थ्री और माइनस टू, वैल्यू क्या आई थ्री एंड माइनस टू। जब भी सेट लिखा जाएगा, अच्छा ब्रैकेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज्ड ब्रैकेट और एक आता कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये दोनों किसी दूसरी जगह यूज होते हैं, सेट के लिए कौन सा यूज होगा, ये वाला। सेट के लिए कौन सा यूज होगा, लास्ट वाला। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है टू थ्री, ये भी टू और थ्री और ये भी टू और थ्री, तीनों ब्रैकेट का मतलब एक बार समझा देता हूं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, टू से थ्री तक की सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग टू एंड थ्री, मतलब टू और थ्री के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.05 जितनी भी वैल्यूज होंगी उसका मतलब ये है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, टू से लेके थ्री तक, मतलब ये वाला तो है, इसके साथ में टू और थ्री भी इंक्लूड है, इस वाले में टू और थ्री इंक्लूड नहीं है, ये वेवी कर्व मेथड में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिर्फ टू और थ्री, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज, इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसके अंदर क्या है, जो लिखे हुए हैं सिर्फ वो ही, ऐसे क्लियर है। तो सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस ब्रैकेट से, ये चीज क्लियर है सबको। आंसर क्या आएगा इसका, किस सेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइनस टू एंड थ्री या फिर थ्री एंड माइनस टू, किसी भी सीक्वेंस में लिख दो, ये इसका आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें, एक सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, थर्ड ब्रैकेट का क्या मतलब था, थर्ड ब्रैकेट का मतलब है कि जो उसमें एलिमेंट्स, जो नंबर्स लिखे सिर्फ वो ही, इसमें क्या लिखा है टू थ्री, तो सिर्फ टू और थ्री इज द आंसर, ओनली टू एंड थ्री इज द आंसर। इसका मतलब क्या है, इसमें तो इनफाइनाइट है, इसमें जितने लिखे होंगे सिर्फ उतने ही, टू को मैं थ्री को मैं फोर लिख दिया तो तीन आंसर, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही लिखे जाते हैं, एक और दो, इसमें कितने भी वैल्यूज लिख सकते हैं, सिर्फ वो ही आंसर होगा। चलो एक सेट लिखा है, एक सेट लिखा है, क्या सेट दिया है कि x सच दैट x इज a पॉजिटिव इंटीजर एंड
x square is less than 40, ऐसा कुछ एक सेट भी है, इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखो, राइट, इन रोस्टर फॉर्म, इस सेट को इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सिंपल, राइट आंसर किता। क्या जाएगा आंसर? देखो सबसे पहले तो क्या देखना है, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा? वन से, स्क्वायर करते जाओ, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का 25, सिक्स का 36, सेवन करते 49 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये देखती है ये आंसर। आसान है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, एक सेट भी है एक्स सच दैट, ये लाइन भी बनी हो सकती है या फिर ऐसे दोनों तरीके से लिखा हो सकता है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, which is divisor of 60, लिखो रोस्टर फॉर्म में लिखना, कोई नंबर नहीं आएगा, अमनप्रीत सिंह, सिंपल ब्रैकेट, एक्स इज ए प्राइम नंबर हो और जो क्या करे 60 को डिवाइड करे, वो नंबर्स बताने, डिवाइजर का मतलब, मैं भी एक बार फिर से चेक कर लो, एक बार प्राइम फैक्टराइज करके देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, इट्स के मिस्टर अमनप्रीत, नमन गुप्ता, एक बार फिर से सोचना जो नंबर्स लिखते हैं, विंकिता, राइट आंसर, गुरमृत कौर, राइट आंसर, अमनप्रीत सिंह, राइट आंसर, बीच में कोमा भी लगाना है, बिना कोमा के पता कैसे चलेगा कि सिंगल नंबर लिखा है सेपरेट सेपरेट,
नमन गुप्ता चेक किया क्या गलती की? देखो अगर डिवाइजर्स चेक करने तो एक जैसे अपन पहले बनाते थे, क्या किया, 2 से डिवाइड 30, फिर 2 से डिवाइड 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। बस इसमें ये देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। नमन, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। कौन कौन से नंबर्स है? सिर्फ 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स ढूंढने। 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, क्लियर है? मैं 20। अच्छा, रोस्टर फॉर्मेट में लिखना तो आसान है। अब एक बार सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है? ये लिखा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना, पहला पार्ट। दूसरा लिखा 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। किसी को कोई भी डाउट हो बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया आपको। सर दोनों मेथड रिपीट कर दो क्या? कि देखो ये क्या है। अच्छा, इसमें आपको सोचना पड़ रहा है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इस वाले में कभी सोचना पड़ेगा, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एक्स बिलोंग्स टू एम, वेरी गुड। नहीं सोचना पड़ेगा, पक्का पक्का है, मतलब रोस्ट किया हुआ है तो रोस्ट को। अच्छा, इस वाले को लिखा तो सोचना पड़ रहा है कि कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसको बनाना है तो सेट बिल्डर फॉर्म। मोदक, दो ही फॉर्मेट है, एक रोस्टर मतलब पका पकाया, एक क्या है जिसको पकाना पड़े सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, क्लियर है? चल चलो, फर्स्ट पार्ट एक बार बता रहा हूँ, सेकंड वाले से पता चल जाएगा सॉल्यूशन लिखना किस फॉर्म में। लिखना ऐसे ही है, एक्स सच दैट, क्या लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखूंगा कि ये जो नंबर है एक्स किसके इक्वल है, 3 n या y कुछ भी लिख दूंगा। एक्स तो क्या है, एक एलिमेंट है पहला, और किसके इक्वल है, 3 n के। लेकिन अब n क्या चीज है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है? या फिर यहां पे लैंग्वेज लिखू, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, या एक्स इज ए मल्टीपल्स ऑफ 3 पॉजिटिव मल्टीपल्स। दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, लैंग्वेज में लिखा है। अब क्या करूंगा, अगर इसको, ये पका पकाया नहीं है, ठीक है, पका हुआ नहीं है ना, पकाना पड़ेगा, तो क्या करूंगा, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 किया पहला एलिमेंट, 2 पुट किया दूसरा, 3 पुट किया तीसरा। तो ये तो क्या है जिसमें सोचना नहीं पड़ रहा, इसके लिए सोचना पड़ेगा, मतलब इसको पकाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा आंसर तक पहुंचने के लिए, तो सेट बिल्ड। पर अगर बना बनाया सॉल्यूशन लिखा तो इसका मतलब क्या है, रोस्ट फॉर्म, ठीक है? दूसरे में क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट का लिख दिया, सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में लिखा है एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, 2 की पावर n, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है?
हाँ जी एंडलेस है, अगर डॉट लगाए हुए ना, अगर एंड हो जाता तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाती, 1 से लेके 4 तक, सिर्फ यहां तक होता था। यहां पर अगर ये यहाँ पे एंड हो जाता तो एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अगर एंड वाले होते तो मैं एक बार सॉल्यूशन लिख के बता देता हूँ क्या होगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 एन, और एन की वैल्यू क्या होती, 1 से लेके 4 तक, अगर ये आगे डॉट नहीं लगे होते, ठीक है। सेम क्या आ जाएगा इस वाले में, 1 से 5 तक आ जाता अगर सिर्फ 32 तक होता एंड सो ऑन नहीं होता तो। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑल क्लियर मोदक, मैं भी, अमनप्रीत, रिप्लाई करते रहो ना, पता चल जाएगा। अच्छा एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 1, बताओ क्या लिखूं? ठीक है देखो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो क्या हो 1 से छोटा, ठीक है। तो इसको लिखने के 2-3 तरीके, कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो सिर्फ ऐसे ही बना दिया जिसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है, या फिर लिख दिया एम्प्टी सेट कि कुछ भी नहीं हो, ठीक है, या फिर लिख दू नल सेट, ठीक है, या फिर एक और आता है ऐसे फाई बना। 4 तरीके हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, इसका मतलब ऐसे ना लिखते, ठीक है। इसका मतलब तो क्या है कि 0 इज द आंसर, ठीक है। 0 का मतलब 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब इस तरीके से कभी भी नहीं लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा, या तो जिस एक सेट वाला फॉर्मेट बनाया कि जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, या फिर लिखा एम्प्टी सेट मतलब खाली है, नल सेट का मतलब भी क्या है ब्लैंक है, या फिर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोला जाएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर फाई, या फिर इस करली ब्रैकेट से जिसमें एलिमेंट नहीं है। हाँ जी, एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता ना, नेचुरल नंबर 1 से छोटा कोई भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं लिख सकता कि 0 है, ठीक है। तो या तो खाली बिल्कुल ब्लैंक, तो एम्प्टी सेट नाम से लिखना है, नल सेट भी नाम से लिखना है, या फिर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना सिंबल के फॉर्मेट में, तो या तो इस तरीके से या इस तरीके से। ये चीज क्लियर है सबको? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा अभी जो बात की थी कि सर जो एक ये लिखा था 3, 6, 9, 12 आगे डॉट बने, ठीक है, क्या मैं इसमें काउंट कर सकता हूँ कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? कर सकता हूँ क्या, काउंट कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 जितने भी? नहीं कर सकता। तो ऐसा जब भी बना होगा तब उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, और ऐसे सेट को बोल देते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना कर सके उसको क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एंड सो ऑन सिंबल लगा के अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं
लेकिन रोस्ट फॉर्म में उसके कंप्लीट एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ इतना देखे 3, 6, 9, 12, 15, तो क्या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब काउंट किए जा सकते हैं तब उसको क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट, ठीक है। और हर एक फाइनाइट सेट को क्या किया जा सकता है? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इस वाले केस में क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट तो कंप्लीट एलिमेंट्स नहीं कर सकता, अंडरस्टूड है कि इसके आगे सो ऑन लिखा हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनफाइनाइट है। ये चीज भी क्लियर? सेट की डेफिनेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना, ये दोनों सेट कैसे हैं? एक सेट ए लिख रहा हूं 1, 2, 3 एंड 4, एक सेट बी लिखा हुआ है 2, 3, 1 एंड 4, क्या दोनों में डिफरेंस है? इन दो सेट में कोई डिफरेंस दिख रहा है किसी को? नहीं है। मतलब एक सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, सेम एलिमेंट्स लेके एक दूसरा सेट बनाया है, तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है? इक्वल सेट। क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट। मतलब क्या हो? ए इज इक्वल टू बी। कब? जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट्स पहले में हो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और सारे सेट दूसरे सेट में हो, तब उसको बोला जाएगा इक्वल। अगर नहीं है तो उसको बोला जाएगा अनइक्वल, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक सेट इधर लिख देता हूं, पी लिखा है 1, 2 और 3, ठीक है। एक क्यू लिखा है 1, 2, 2, 2 और 3, क्या दोनों इक्वल सेट्स हैं? सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं है? ठीक है, अगर एक एलिमेंट को बार बार रिपीट किया है, ठीक है, तो भी वो एक की तरह ही ट्रीट किया जाए, ठीक है। अगर एक एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो सेम ही है। इसीलिए जनरली जो एलिमेंट बार बार रिपीट करके लिखा हुआ सेट में, वो अपन रिपीट करके नहीं लिखते हैं, सेम एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा? P is equal to Q. क्लियर है? अमनप्रीत सिंह, अगर एक सेट के एक एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिखता है, तो इसका मतलब सेट चेंज नहीं होगा, सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जब भी किसी दो, अगर मान लो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, चलो दो एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्मेट का लिखा, एक एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्मेट का लिखो, एग्जांपल लिखा है ए, सेट किया एक्स, सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन, या फिर एक्स इज लेस देन 6। एक बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड एक्स सॉरी पॉजिटिव इंटीजर विच इज a divisor of 30। दो सेट लिखे, चेक करके बताना दोनों इक्वल हैं या नहीं है।
लैंग्वेज पे मत जाना। मैंने कहा जब भी चेक करने हैं दो सेट इक्वल हैं या नहीं है तो क्या करेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखे, ठीक है, चेक करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा ए सेट क्या बनेगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन सिक्स, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेट बी बनाया क्या, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 30। 30 के डिवाइजर्स कौन कौन से आ जाएंगे चेक करो, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। आंसर क्या जाएगा 2, 3 और 5। देखो इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी क्या बोला जाएगा, अनइक्वल सेट। किसी को कोई डाउट है इसमें, आयुष्मान नहीं है ना, किसी को डाउट क्लियर है? तो जब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मैच करेंगे, पता चल जाएगा कि इक्वल है या नहीं। सेट के बाद सर सेट सर बी सेट विल इंक्लूड 1 और नोट, मैं विच 1 इंक्लूड होगा, मैंने सेट बी में 1 नहीं लिखा, 1 भी इंक्लूड होगा, 1 इज ऑल्सो ए डिवाइजर और पॉजिटिव इंटीजर बोला था, 1 विल बी इंक्लूडेड इन सेट बी। सेक्शन 15 भी होगा, अरे वो तो सारे ही होंगे ना, 4 नहीं आएगा उसमें, सारे नंबर आएंगे 4 नहीं आएगा, 6 फिर आएगा 10 फिर 15 और फिर 30,
ये आएगा सेट बी। एग्जैक्ट सेट भी ये आएगा, उसमें फोर नहीं आएगा। पहले वाले में क्या था, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये सेट ए था, ये बनेगा सेट बी। क्लियर है? डिवाइजर्स, ये कंप्लीट डिवाइजर्स। थर्टी से सारे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे किए, उसका लंबा प्रोसेस है, वो थ्योरम्स अपने को नहीं पढ़नी, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। बस ये था कि फोर उसको डिवाइड नहीं करेगा, एग्जैक्ट लॉजिक ये था कि थर्टी का डिवाइजर फोर कभी नहीं बन सकता, तो अनइक्वल सेट होगी। नेक्स्ट सबसेट, सबसेट क्या है, व्हाट इज सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है, सेट और उसका एक पार्ट, क्या बोला जाएगा, सबसेट, ठीक है। जैसे मान लो एक ए सेट लिखा है, वन टू थ्री और फोर, अब मैं जितने भी पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, जैसे एक सेट लिखा वन कोमा टू, एक लिख रहा हूँ वन, एक लिख दिया टू थ्री फोर, इसमें से कुछ या सारे एलिमेंट्स लेके कोई नया सेट बनाऊंगा, या तो सारे एलिमेंट्स भी ले सकता हूँ, या फिर कुछ एलिमेंट्स लेके अगर नया सेट बनाऊंगा तो उसको बोला जाएगा वो क्या होगा, इस सेट का एक सबसेट होगा। ये चीज क्लियर है क्या, कोई एक कोई एक सेट दिया है, उसके कुछ एलिमेंट्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या फिर सारे एलिमेंट्स लेके नया सेट बनाऊंगा, उसको क्या बोला जाएगा कि वो क्या है, ए का सबसेट है। ये चीज क्लियर है सबको, क्या होगा कि एक सेट दिया है, उसके सम और ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ या सारे एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बनाऊंगा, उसको क्या बोला जाएगा कि वो नया जो सेट बना वो क्या है, ए का सबसेट है। फॉर एग्जांपल अगर इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी को भी, ठीक है, इससे या फिर इससे, तो बोला जाएगा B is a subset of A। इसको क्या रीड किया जाएगा कि B is a subset of A। क्या होगा, B is a subset of A। या फिर अगर लैंग्वेज में लिखो तो क्या आएगा, अगर मान लो ये लिखा है B is a subset of A, कंप्लीट एज ए डेफिनेशन, इफ ए कोई एक एलिमेंट है बिलोंग्स टू बी, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए क्या है, ए से भी बिलोंग कर रहा है, कि ए कोई एक सेट है जो बी के अंदर है, वही ए एलिमेंट किसमें होना चाहिए, ए में, तब बी को क्या बोला जाएगा, ए का सबसेट। ये चीज क्लियर है, क्या है कि ए कोई एक ऐसा एलिमेंट जो B के अंदर है, और वही A एलिमेंट किसमें है, A में है। जैसे ये B एक है, वन क्या है, एक एलिमेंट है जो क्या है, B में भी है और A में भी है। टू एक एलिमेंट है जो B में भी है और A में भी है। थ्री और फोर सिर्फ A में है, तो B क्या होगा, A का सबसेट है। इस वाले केस में सिर्फ A एक कोई एलिमेंट है, वन, इसका इसके अंदर भी वो एलिमेंट है, तो क्या होगा, B इज ए सबसेट ऑफ A। सबसेट का सबको क्लियर है, अगर मैं सारे लिखता वन टू थ्री फोर
तो बोला जा सकता था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी या बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? अच्छा, बी एक सेट लिखा है, सबसेट 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दोनों कंडीशन लिख सकता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, या फिर कोई एक लिख सकता हूँ, कौन से लिख सकता हूँ, बोथ और 1 और 2 दोनों सही है। अगर ये कभी कंडीशन बनती है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ये क्या रिजल्ट देगा कि ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी नहीं, ए इज इक्वल टू बी, इक्वल होंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, एक नया सेट लिखा है सी, सी सेट लिखा है ये वाला, क्या मैं लिख सकता हूँ सी इज ए सबसेट, सी इज ए सबसेट ऑफ ए या सी इज ए सबसेट ऑफ बी या सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कौन कौन सी कंडीशन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार कंडीशन दिए, सी एक सबसेट है, बीच वाला सिंबल सबसेट का है, ये सी सेट लिखा हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ सही है या गलत है, फर्स्ट या सेकंड सही है या गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट, फर्स्ट 2 आर राइट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अमनप्रीत सिंह 5 एलिमेंट्स हैं सी में, चेक करो भाई, 0 है, एक भी नहीं है, तो क्या इसके अंदर वो एलिमेंट है, 5 सेट तो सबका ही होता है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो इसका बना ही बना हमेश, तो सी मतलब या फिर फाइ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि कोई भी सेट लिखूंगा उसका क्या होगा, फाइ हमेशा सबसेट होगा। अमनप्रीत सिंह बी में भी 4 ही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट है, तो उसका तो ये पार्ट बनेगा ही बनेगा हमेशा। तो इसका मतलब सी ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, ये सिंबल किसका है, नॉट ए सबसेट, सबसेट ना हो, ठीक है, तो सबसेट सी जब लिखा हुआ ही है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, अरे देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास 5 चीजें हैं, उनमें से किसी को कुछ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज एग्जिस्ट तो करती है मेरे पास,
भाई इसमें एक भी सेट नहीं है तो इसमें से क्या है? इसका पार्ट तो है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, इसमें एलिमेंट है तो ये तो इसका पार्ट है ही। ये चीज क्लियर है? सब सेट, उसके बाद आता है एक यूनिवर्सल सेट। क्या आता है? यूनिवर्सल सेट सबसेट हो गया। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सुपर सेट होगा क्या? किसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट? जिसमें सारे एलिमेंट्स हो उसके रिलेटेड सेट्स के, उसमें हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। वेरी गुड। क्या जैसे अभी क्या किया था अपने, एक सेट, सेट से क्या बनाया? सबसेट। ठीक है, क्या सेट, सेट का पार्ट बनाया वो क्या बना? सबसेट। अगर इसको मैं सेट बोलूंगा तो इसके कंटेंट में अगर इसको सेट बोल दिया तो ये क्या बन जाएगा? सुपर सेट। सेट, इसको क्या बोल दिया जाएगा? सेट। अगर इसको सेट मान लिया तो एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट लिखे हुए, उनके सारे एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे उसको सुपर सेट या फिर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सुपर सेट सिर्फ दो के कंटेंट में बोलते हैं, एक ये हो एक ये हो। ये सबसेट, सबसेट को सेट बोलेंगे, ये सुपर सेट। अगर पांच सेट लिखे उनके सारे एलिमेंट जिसमें होंगे उसको क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। 10 सेट लिखे उन सबके एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दिया उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है प्राइम नंबर का सेट, ठीक है, फिर लिख दिया इवन नंबर का, ठीक है, सेट बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ओड नंबर का बना दिया, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को मिला के अगर मैं एक नया सेट बनाऊं और वो नया सेट लिखा है नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर ये तीन सेट है तो इनके लिए ये वाला क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और इसको डिनोट किया जाता है यू से।
ये चीज क्लियर है, प्राइम नंबर का सेट बना हुआ है, ठीक है। इनको अपन जनरली किस सिटी नोट करते हैं, ए बी और सी, ठीक है। प्राइम नंबर्स का बना दिया, इवन नंबर्स का बना दिया, ओड नंबर्स का बना दिया, और इन सब के एलिमेंट्स मिला के एक नया बनाया, ठीक है। उसमें इनसे ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। पावर सेट का, पावर सेट अलग है भाई, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट ही लिखता है नमन गुप्ता, पावर सेट अलग चीज है। सुपर सेट का भी जो लिखा था बताता हूँ एक बार, यूनिवर्सल सेट समझ लो, प्राइम नंबर्स सारे आ गए, इवन नंबर्स भी आ गए, ओड नंबर्स भी आ गए, इनके अलावा जो नंबर्स बने वो भी आ गए, ठीक है, जो भी बन सकते हैं, उन सब के एलिमेंट से एक नया सेट बनाया, उसको बोला गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए कोई एक सेट लिखा है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। बी एक सेट लिखा है, 1, 2 और 3, क्या होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ए इज सुपरसेट, ये क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ऐसे सबसेट का सिंबल कैसे लिखते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करके लिखूं, कैसे, डिफरेंस समझ लेना यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट का, ये बी है इधर लिखा, ये सिंबल इधर आ जाएगा ए, इसको कैसे रीड करेंगे, A is a subset of B. इसको कैसे रीड करेंगे, B is a superset of A. ये चीज क्लियर है। यूनिवर्सल सेट तो क्या होगा, 2, 3, 4, 5 जितने भी बने होंगे उनका कंबाइंड बनेगा, तब तो ये है एक सुपरसेट, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट भी सुपरसेट हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, सुपरसेट हमेशा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, कंफ्यूजन मत रखना। सुपरसेट तो ये है कि इसी को उल्टा करके लिखा, ये सबसेट ये सेट, अगर इसको सेट बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सुपरसेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के नया सेट बना, 5 सबसेट दिए हुए या 5 सेट दिए हुए, उनके सारे एलिमेंट से एक नया सेट बनाया, उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये चीज क्लियर है यहां तक, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों चीजों में कंफ्यूजन तो नहीं है ना बीबी किसी को, रिपीट करूं, ओके। देखो ये लिखा हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर इसी को रिवर्स करके लिखा बी इज, तो इसको तो रीड किया जाएगा बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, इसको क्या बोला जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ए बी और सी 3 सेट लिखे हुए, अगर इनके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करके नया सेट बनाया यू, तो इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट, इसको बोला जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको बोला जाएगा बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ए बी सी 3 सेट थे, इसके सारे एलिमेंट्स एक नए सेट में लिखे, उसको बोला यूनिवर्सल सेट, कि जिस से सारे सबसेट्स बन सके या सारे सेट बन सके, ठीक है। 5 सेट दिए हुए ए बी सी डी ई,
उनके सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं सबको कंबाइंड करके एक नए सेट में लिखा, उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। अमन प्रीत, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब किसी ने वर्ड यूज किया था पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? व्हाट इज पावर सेट? अच्छा, एक सेट ए दिया है, ठीक है, फिर इससे जितने सबसेट बन सकते हैं, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, जैसे सेट ए दिया है, मैं लिख देता हूँ 1, 2, दो लिखे, इसके सबसेट कितने बना सकता हूँ? एक तो क्या हो जाएगा 5, फिर एक हो जाएगा 1, एक बन सकता है 2 और एक बन सकता है 1, 2। क्या इन चार सबसेट के अलावा कोई और सेट बना सकता हूँ? चार बनेंगे, ठीक है। इन सब को अगर एक नए सेट में लिखा, इसको बोला जाएगा पावर सेट। कि एक सेट में जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब को एक नए सेट में लिखा, उसको बोला जाता है पावर सेट। 2, 1 इज द सेम, 1, 2 या 2, 1? विंकिता, बताया था ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। अगर 2 को 5 बार रिपीट करके लिख दिया तो भी सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक क्या नया सेट बनाया, लेकिन उसमें लिखे क्या है? एलिमेंट्स नहीं लिखे। अगर एलिमेंट्स लिखूंगा तब तो क्या बनेंगे? सबसेट। और उन सबसेट्स के नए सेट को क्या बोला जाएगा? पावर सेट। ठीक है, और डिनोट कैसे किया जाएगा? ऐसे पी टी। इसका मतलब क्या है? ये वाला है पावर सेट, बाहर पी और अंदर जो सेट ए था वो लिख दिया। अगर बी कोई सेट होगा पी लगा दिया, इसका मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ बी। अगर कोई यूनिवर्सल सेट यू लिखा है और पी ब्रैकेट में यू लिखा है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के जितने सबसेट बनेंगे उस सेट को बोला जाएगा पावर सेट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें, पावर सेट में? अच्छा, इसमें हमेशा पूछा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, डिनोट किया जाएगा एन पी ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये हमेशा इक्वल होता है 2 की पावर n। n क्या चीज है? व्हाट इज n? या m लिख देता हूं, चलो डिफरेंट लिख देता हूं, कंफ्यूजन होगा। m क्या चीज है? m किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2, तो m की वैल्यू 2। 2 पुट करूंगा तो क्या जाएगा? 2 की पावर 2, 4, 1, 2, 3 और 4। किसी को कोई डाउट है इसमें? सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया एम से, 2 की पावर m कर दिया तो क्या देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। क्या क्या चीज पढ़ ली? सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद सबसेट, फिर एंडलेस वाले सेट का पावर सेट कैसे निकालेंगे? मैंने अभी भी कहा था कि रोस्टर फॉर्मेट में जब भी लिखे होंगे क्या लिखे होंगे? फाइनाइट सेट। तो 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होगा?
जब इनफाइनाइट ही है तो इनफाइनाइट ही बनेंगे उसके भी, ठीक है। ये अगर कोई सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, एंडलेस वाला, जिसमें इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो 2 की पावर इनफाइनाइट भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। तो पावर सेट में भी इनफाइनाइट सबसेट होंगे, या एक सेट ही है इनफाइनाइट नंबर से, तो इनफाइनाइट सबसेट बनेंगे, उनको फिर से अरेंज करना है सेट में, तो वो क्या बन जाएगा? वो भी इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। कौन कौन सी चीजें पढ़ ली? सेट, सेट के बाद सबसेट, फिर इनफाइनाइट, फाइनाइट और नल सेट, फिर उसके बाद सुपर सेट, फिर यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।